हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं तंदूरी चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चाय को पी के हमें गांव की मिट्टी की खुशबू की याद आने लगती है। फ्रेंड्स, इसे घर पे भी बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चाय बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दूध, चाय पत्ती, शक्कर, कुटी हुई इलायची, कुटी हुई अदरक, और यहाँ पे हमने मिट्टी का दो कुल्लर ले रखा है। एक पे हम तंदूरी चाय बनाएंगे और दूसरे में हम शर्व करेंगे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपको दूसरी वाले नहीं मिले तो आप कोई भी कप में बना सकते हैं, और जरूरत के अनुसार हम पानी यूज करेंगे। गैस पे हमने एक पैन रख लिया है और पैन में हम आधा कप पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 कप तंदूरी चाय बनाने जा रहे हैं। पानी में हम डालेंगे सबसे पहले अदरक, जिसे हमने धो के कूट रखा है। इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे, जिसे हमने दरदरा कूट रखा है। अब हम इसमें चाय पत्ती डाल देंगे। तो 1 कप का माप हम चाय पत्ती डाल देते हैं, और इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच शक्कर यूज कर रहे हैं। पानी में ही हम अदरक, इलायची, चाय पत्ती, शक्कर को अच्छे से उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपने पानी में उबाल आ चुका है। अब हम यहाँ पे 1 कप दूध डालेंगे, क्योंकि उबलने के बाद हमारा माप परफेक्ट हो जाएगा। अब हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट चाय को उबालेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, स्लो रखेंगे और चाय को उबालेंगे। दूसरे बर्नर पे हम अपनी मिट्टी के कुल्लर को गर्म करेंगे। तो हमें कुल्लर एकदम लाल होने तक गर्म करना है। एक चिमटा से हम पकड़ के इसे चारों तरफ घुमाते हुए गर्म करेंगे। कभी फ्लेम हम तेज करेंगे, कभी स्लो करेंगे, और चिमटा से पकड़ के कुल्लर को अच्छी तरह से लाल करेंगे। और दूसरी साइड में हम चाय को भी चलाते रहेंगे, जिससे अच्छे से उबल जाए अपनी चाय। तो दोनों काम हमें साथ में ही करना है। आप देख सकते हैं इधर अपना चाय उबला और इधर कुल्लर भी लाल होना शुरू हो गया है, और हमें थोड़ा इसे गर्म करना है। जितनी अच्छे से अपनी कुल्लर तपेगी, उतनी ही तंदूरी चाय का टेस्ट बढ़ेगा। तो हमें उलट पलट के इसे गर्म कर लेना है। चाय को हमें 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। आप ढक के बनाते हैं तो ढक के चाय को उबालिए, ऐसे बनाते हैं तो ऐसे बनाइए। लेकिन चाय तो हमें नॉर्मल ही बनाना है, जैसे हम डेली पीते हैं उसी तरीके से बनाना है। चाय में अच्छी सी उबाल आ चुकी है और उधर अपनी कुल्लर भी गर्म हो चुकी है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक खाली बॉल लेंगे हम, और उसमें हम अपने कुल्लर को धीरे से रख देंगे। अब हम एक झरने की मदद से इस पे अपना चाय जो है उसको छानेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपनी चाय में कितनी बढ़िया झाग उठ रही है, और यही जो गरम वाली कुल्लर है उसमें से मिट्टी की अच्छी सी खुशबू आएगी, और ये चाय तंदूरी का स्वाद में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया तंदूरी चाय बनाना कितना आसान है। अब हम इसे उलटते हुए और एक दूसरे मिट्टी की कूलर में सर्व करेंगे। इसकी स्वाद का तो क्या कहना फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये गर्मा गर्म चाय हम कूलर में डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर आज मेरी ये चाय वाली रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।